वाला बना दिया। हम लोगों की मांग विश्वविद्यालय में नहीं सुना गया, इसलिए राजभवन मार्च किया जा रहा है। राजभवन मार्च कुलपति महोदय की मनमानियां जो बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार तथा राज्यपाल महोदय इसकी नजरअंदाज कर रहे हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं। इसलिए हम सभी राज्यपाल महोदय से मिलने आए हैं और विश्वविद्यालय की मनमानी को बंद करवाने के लिए आए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग महाविद्यालयों से प्रैक्टिकल के नाम पे और परीक्षा फॉर्म के नाम पर छात्रों से उगाही की जाती है। अगर छात्र एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं तो उनको परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल कर दिया जाता है और बहुत सारी समस्याएं की जाती है। तीन तीन साल तक रेस्टिकेट कर दिया जाता है अगर छात्र उस तरह के पैसा नहीं देते हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं और समस्या का समाधान चाहते हैं और कार्रवाई नहीं करने पर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों साथ में मिलकर के, खास करके महाविद्यालय के डायरेक्टर प्रिंसिपल तथा कुलपतियों का साठगांठ होने के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और साठगांठ होने के कारण सारी की सारी व्यवस्था चौपट होती जा रही है। हम लोग इसके बाद भी राजभवन जाने का प्रयास करेंगे चाहे कुछ भी हो। हम लोग ये मार्च कारगिल चौक से लेकर राजभवन तक का कर रहे हैं और ये मार्च इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग कुलपति महोदय को बता सके कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी में भी गए हुए थे, हम लोग फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के छात्र हैं जिनको स्पेशल एग्जाम नहीं दिलवाया देने जा रहा और ग्रेस मार्किंग का प्रावधान नहीं दिया जा रहा है। मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, छात्र एकता जब साथ रहेगी, जब सब कोई साथ रहेगा तो सब कोई आएगा, हमारी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। ये इतना तो हम नहीं जानते हैं लेकिन बस हमको इतना पता है कि हम एक स्टूडेंट हैं और हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने का सरकार का अधिकार है जो कि उनको पूरा करना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग